दिखाता हूँ तुम्हें, देखो भाई की भाई क्या साउंड आ रही है। तो हमारे साथ एक सीन क्रिएट हो गया यार, बहुत तगड़ा वाला। इनकी साइकिल खड़ी है 1800 किलोमीटर दूर की, इनकी टोटल जो है यात्रा है 18,000 भाई, 1800 बोल रहा हूँ, 18,000 है भाई की। गाड़ी हो रही है कोल्ड स्टार्ट, और ये सारा सामान हमने जो बांध रखा था इसको रात खोला ही नहीं था, पूरा का पूरा सामान ऐसे ही बंद रखा है, बाकी बैग उधर रखा है। अब यहाँ से निकलेंगे भाई सीधा जम्मू के लिए, हो सकता है जम्मू से सीधा श्रीनगर निकल जाएँ, जम्मू में स्टे नहीं ले पाएँ, और हम निकलते हैं। आ चुके हैं अपनी गाड़ी पे, और यार इसका एक माउंट टूट के गिर गया, पता नहीं कहाँ खुल के गिर गया, और रात में दिखाई भी नहीं दिया गिरते टाइम। और अभी जा रहे हैं भाई जम्मू के लिए, जम्मू यहाँ से पड़ता है पूरा 100 किलोमीटर दूर, और इस टाइम पे हैं भाई हम पठानकोट, और आज है हमें दूसरा दिन। रात में चले जाते हैं यार, लेकिन रात का रास्ता मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, और तुम्हें तो पता है भाई कितना ज़्यादा दिक्कत आती है रात में, और ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है यार, तो इसीलिए आराम आराम से चलते जा रहे हैं। देखो सामने लिख रहा है जम्मू 103 किलोमीटर दूर, तो ज़्यादा नहीं भाई 1.5 घंटे में जम्मू पहुँच जाएँगे हम, अगर हल्के भी चलेंगे 70-75 की स्पीड से, तब भी हम जम्मू 1 से 1.5 घंटे में पहुँच जाएँगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, जम्मू में भी कन्फर्म है भाई गर्मी होगी, और श्रीनगर जाके थोड़ा ठंडा मौसम मिलेगा। तो हमारे साथ एक सीन क्रिएट हो गया यार, बहुत तगड़ा वाला। तो सीन कुछ इस प्रकार है भाई, यहाँ नहीं आ रहे नेटवर्क, यहाँ अंदर आते ना तो अपनी सिम जो है बंद हो गई है, तो अब यहाँ से न्यू सिम कार्ड परचेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ से न्यू सिम कार्ड मिलेगा, और सिम कार्ड मिलते ही भाई अपना फ़ोन जो है एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा आ जाने वाली है भाई, क्योंकि घर से भी फ़ोन आ रहे हैं, और प्लस यहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं है, और मैप भी रीड करने के लिए। भाई क्या हाल है भाई के? क्या हाल भैया? बढ़िया यार, हाँ बढ़िया एकदम। और भाई हम जा रहे हैं जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से लद्दाख, हाँ लद्दाख मिल, हाँ भाई साथ चलो भाई, बांध लो गाड़ी, बांध लो आओ। देखो भाई साइकिल से जा रहे हैं ये गाड़ी, इनकी साइकिल खड़ी है 1800 किलोमीटर दूर की, इनकी टोटल जो है यात्रा है 18,000 भाई, 1800 बोल रहा हूँ, 18,000 है भाई की। और साइकिल से भाई देखो कितनी मेहनत कर रहा है बंदा यार, देखो वीडियो वगैरह डालते हो, वीडियो डालते हो, वीडियो चैनल का नाम क्या है? बाइसिकल राइडर व्लॉग करके। अच्छा बाइसिकल राइडर व्लॉग करके, भाई भाई का चैनल है, जाके चेक करो भाई, साइकिल से टोटल व्लॉग मिल जाएंगे। और भाई की यात्रा भी बहुत ज़्यादा लंबी है यार, सही में यार साइकिल से चलाने के लिए ना हिम्मत चाहिए यार, यहाँ तो गाड़ी से भी फटे जा रही है। कल 700 किलोमीटर दूर चलाई थी भाई, पूरी रेड निकल गई गाड़ी की भी और हम लोग की भी, वो तमाम यार। वो भाई जा रहा है 18,000 किलोमीटर दूर ओनली साइकिल, और फुल कैंप का सामान और अपना जो भी है भर के कैंपिंग वैम्पिंग करते हुए, बहुत तगड़ा सीन है यार। सही है भाई, कीप इट करते रहो, कामयाबी मिलेगी एक दिन आपको। हाँ भाई तो अभी भाई चलते हैं जम्मू, सिम में ही टाइम लग गया है यार, बड़ी दिक्कत है। और यहाँ ना गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, मैं सोच रहा था ठंडा मौसम होगा, टेम्परेचर लो होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं भाई, बहुत ज़्यादा मतलब गंदी वाली गर्मी पड़ रही है, याद ले लूँ यहाँ से। बस किसी सूरत से ना जल्दी से जम्मू पहुँचता हूँ, जम्मू पहुँच के भाई अगर गर्मी ऐसी हुई ना फिर भाग जाएंगे श्रीनगर के लिए हम, है ना, पहला काम जो है ना हमारा वहाँ का है श्रीनगर का, तो जो हम सोच के आए हैं वो श्रीनगर से रह जाता है 400 किलोमीटर दूर लद्दाख, तो लद्दाख भी मार देंगे मेरे भाई, लद्दाख भी मार देंगे, जब इतनी दूर आए हैं तो लद्दाख भी होकर भी जाएंगे भाई, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं भाई सीधा मिलते हैं जम्मू पहुँच कर। 5 मिनट्स लेटर गए हैं भाई जम्मू, और यहाँ पर है ना अभी अब चल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं सिदरा वाले रोड पर, जहाँ पे ज़्यादातर वीडियो रहती हैं जम्मू के जितने भी मोटर व्लॉगर्स हैं, तो मोस्टली यहीं की वीडियो होती है। मगर एक चीज़ तो है यार, मैंने सोचा क्यों ना आपको बताना चाहिए कि यहाँ पर कॉर्नर बहुत शार्प हैं यार, मतलब इतने इतने अच्छे कॉर्नर हैं ना भाई, इसीलिए ना वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लीन करके चला लेते हैं। लेकिन रोड है ना वहाँ के ज़्यादा ख़राब हो गई है, देखो इस पर है ना रेता बजरी सब पड़ी है, इस वजह से लीन नहीं कर रहा मैं, और मेरे को करना भी नहीं है भाई, बस जितनी चल रही है चलाते रहेंगे। लेकिन भाई कॉर्नर की तारीफ़ करनी पड़ेगी, अगर ये रोड एकदम सही हो ना तो भाई गाड़ी के ना फुटरे से भी टेक दोगे तुम इस पर, इतने शार्प रोड हैं। और ऐसा नहीं है भाई वन लाइन हो या 4 लाइन, नो टेंशन, जितना चाहे इतना भगा सकते हो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ भाई जम्मू के राइडर जो है इतना ज़्यादा लीन कर करके चलाते हैं ना, हम सोचते हैं भाई ये ऐसे बिल्कुल लिटाल दी गाड़ी, तो उसी का यही रीज़न है कि वो लोग ना, बहुत तगड़ा सीन है भाई, एकदम उतराव आ गया, वो ढलान आ गया, अभी उड़ जाते। तो सिदरा वाली रोड पर हैं इस टाइम पर, और अब जा रहे हैं भाई द गोट राइडर कैफ़े, तो वहाँ पर एक भाई हैं उनसे मिलेंगे,
तो हो सकता है आमिर मस्जिद में आए, अगर हुए तो मिल लेंगे, वरना श्रीनगर अभी निकल जाएंगे तुरंत, हम नहीं रुकेंगे जम्मू में बिल्कुल भी 2 मिनट भी। अगर आमिर भाई आमिर मस्जिद भाई मिलते हैं ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं तो हम चले जाएंगे श्रीनगर, फिर लौटते हुए देखेंगे या फिर सीधे घर को निकल जाएंगे। तो अभी तो वहीं जाकर पता चलेगा क्या सीन बन रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, कैमरा भी ना ओवरहीट हो रहा है, रिकॉर्डिंग करते टाइम बंद हो जा रहा है बार बार, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि कैमरा भी नहीं झेल पा रहा। भाई रोड कितने प्यारे हैं, बट ये काम चल रहा है इन रोडों पे, अगर ये रोड एकदम शार्प न्यू रोड हो ना तो भाई कितना भी लीन करके मार दो, वो लोग सुबह को आते हैं व्लॉग बना के यहीं से चले जाते हैं। बहुत तगड़ा सीन है यार जम्मू के व्लॉगर्स का, तो हम भी थोड़ा खींच खाच कर लेते हैं, लेकिन नहीं भाई अभी हमें और दूर जाना है, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना है श्रीनगर, श्रीनगर में अगर थोड़ा सीन सही बनता है सही है, वरना भाई वहाँ से भी निकल जाएंगे हम लेह के लिए, फिर लेह से निकलेंगे भाई लद्दाख के लिए, अपना पूरा ही कवर करना है इसको, सारे के सारे एरिया। और भाई पढ़ने जा रहा है क्या इतना बड़ा बच्चा, थोड़े 5-6 किलोमीटर दूर लगभग, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रोड, यहीं पर तो मज़ा आएगा भाई बाइक को है ना भगाने में। ओ भाई यहीं पर ही पड़ती हैं वीलियाँ आमिर मस्जिद भाई की, और रोड तो भाई काफ़ी एकदम तगड़े सीन है तो यहाँ के रोड का। तो अभी गोड राइडर द गोड राइडर कैफे भी है 2 किलोमीटर दूर, मगर रोड बहुत प्यारी है यार इधर की जम्मू की, ये चीज़ तो मैंने देखी भाई, जहाँ पर काम चल रहा है वो रोडों को नहीं बोल रहा, लेकिन जहाँ पर ये रोड एकदम स्ट्रेट रोड है ना भाई एकदम तगड़ा। और यहाँ की भी वीडियो भाई आमिर मस्जिद भाई की देखी होंगी तुमने, एकदम टॉप 10 व्हीली मारते हुए जाते हैं भाई। तो अभी आ गए हैं भाई हम सिदरा, और पहले ना वो बाहर वाले रोड से आते, लेकिन हमें एक बंदे ने गलत एड्रेस दे दिया, तो उधर से घूम के आना पड़ा पूरा बाईपास, लेकिन रोड सही है बाईपास वाला, उधर से थोड़ा ख़राब रोड होगा इसी वजह से उस बंदे ने बोला इधर से घूम के जाओ। तो भाई यहाँ से निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए, तो अभी जो है यहाँ पर टाइम जो है ना बिल्कुल ख़राब करने की ज़रूरत है नहीं, और यहाँ पर गोड राइडर कैफे। और भाई एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, देखो भाई की भाई क्या साउंड आ रही है। और अभी इस टाइम थे सिंदरा, तो यहाँ पर नहीं रुक रहे भाई, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो हम यहाँ से निकलेंगे सीधा श्रीनगर के लिए। टाइम ख़राब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना भाई, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ रुकने का। तो मिलते हैं भाई इसके नेक्स्ट भाग में, क्योंकि यहाँ पर भाई आमिर मस्जिद भाई अभी एक बंदा था जो फासिल भाई थे, उनसे बात करी तो उन्होंने बताया भाई आमिर मस्जिद भाई गए हैं कहीं, तो हो सकता है शाम तक आएंगे, लेकिन शाम तक रुकने का हमारा कोई सीन नहीं है भाई, क्योंकि शाम में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और फिर एक स्टे यहाँ बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए भाई निकल रहे हैं सीधा श्रीनगर। तो मिलते हैं फिर इसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।